अस्सलाम व्यूअर्स, माय नेम इज रिजवान चीमा। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी। आज हमारे साथ मौजूद है कैपिटल स्मार्ट सिटी का डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग मुजीब अहमद खान। उनसे पूछेंगे कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के डेवलपमेंट के हवाले से ओवरऑल उनका क्या रिव्यू है और आज जो लैंड ओपन हुई है इनसे किन मेंबर्स को फायदा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह के शुक्र। अच्छा मुझे भाई, सबसे पहले कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की जो करंट लैंड ओपन हुई है, हम जिस तरफ देख रहे हैं, जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, ये अप्रॉक्सीमेट पॉइंट ब्लॉक डी बनता है। इसकी सराउंडिंग में 360 डिग्री में जिस तरह देखते हैं आपको ब्राउनिंग नजर आती है, तो इसका एक्सपेक्टेड पोजीशन आप कब तक देखें? रिजवान देखो, हमने ना क्या कहते हैं, लास्ट ईयर जब हमारा इवेंट हुआ था उसके अंदर हमने प्रॉमिस किया था जो वैलिडिंग का था कि हम इंशाल्लाह 2023 में मैसिव डिलीवरीज हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में शुरू कर देंगे। इसके अंदर मैक्सिमम उन लोगों के प्लॉट थे जिन्होंने स्टार्ट में जनरल ब्लॉक में लिए थे और उनको हमने ऑप्शन दिया था कन्वर्ट करवाने का कि वो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उसमें ऐसा मिले कि तकरीबन 99% लोगों ने एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट करवा लिए थे। अगर हम देखें कि हमें इसकी डिलीवरीज कब देनी थी, तो जो हमारा इनिशियल जो NOC था वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के ऊपर बेस करता था RDA से, जो कि एक्सपेक्टेड टाइम जो हमें RDA की तरफ से मिला वो 2026 था। ठीक है, लेकिन हमने जो डिलीवरीज हैं हमने प्लान की कि इंशाल्लाह हम 2023 के अंदर मैसिव डिलीवरीज इसकी देना शुरू कर देंगे और एक साल के अंदर अंदर आई होप के सारा का सारा डिलीवर होगा, पोजेशन इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। अदरवाइज नहीं तो मैक्सिमम आप कह लें कि 80% पोजेशन जो है वो हम आपको दे देंगे। इसके अंदर हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ की है कि इंस्टेड ऑफ इसको हम प्रोजेक्ट को लेके चलें एज अ होल, हमने इस प्रोजेक्ट की टीम ही अलहदा करती है, इसके रिसोर्सेज ही अलहदा करती हैं। तो सिर्फ ये 2700 कनाल के ऊपर हमारे पास 2500 के करीब मशीनें हैं और हमारा जो एरिया है वो 1.5 लाख कनाल है जिसके ऊपर अभी काम हो रहा है। प्लानिंग 2 लाख कनाल की है जो हमारी एक्वायरिंग हुई हुई है। तो 2500 मशीनों में से 800 मशीनें सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के ऊपर लगा ली हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ऊपर हमने इसके ऊपर कितना एफर्ट अपना डेडिकेट कर दी है कि हम इसको मैक्सिमम एफर्ट लगा के मिनिमम टाइम पर इसकी डिलीवरीज ले सकें। इन जनरल मेंबर्स के लिए ये मैसेज है कि अगले 3 से 6 माह में एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का जो पोजेशन है वो आ जाएगा, तो डेफिनेटली जिन मेंबर्स के पास प्लॉट हैं वो अपने प्लॉट्स को होल्ड करें, इन्वेंट्री को सेल मत करें, क्योंकि आप लोगों का भी रिटर्न इन्वेस्टमेंट का टाइम अब शुरू हुआ है। अब मैं आपको सिंपल ये बात बता दूँ कि हमारा इंशाल्लाह हम एक इवेंट प्लान करें अगले 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर इस्लामाबाद के अंदर, तो हमारा टारगेट ये है कि जब आप उस इवेंट पर आएँ और जितने लोग आएँ तो ये जो बुलेवार्ड्स हैं और ये चीज़ें हैं ये आपको ब्लैक टॉप हुई हुई सारी आपको ये नज़र आए। इसी बात को मैं रिलेट करता हूँ, अभी मैं जब सुबह आ रहा था तो मेरे साइट में मीटिंग मलिक साहब से हुई, रास्ते में वो विजिट करे साइट का, तो बिलीव मी एंड ऑफ दिसंबर की एक वीडियो रिकॉर्ड पे पड़ी हुई यूट्यूब पे और आज 9th of January 2023 की रिकॉर्ड पे वीडियो है। तकरीबन 4 से 5 रोड्स ऐसे हैं जिनकी कारपेटिंग लास्ट इवेंट पर जब हम आए थे नहीं थी। आज एग्जिस्ट करती है। अभी इसी इंटरचेंज से रिलेटेड सवाल है कि आप इंटरचेंज की कंप्लीशन जो है वो कब तक देख रहे हैं? मुझे लगता है कि जो इंशाल्लाह ये पूरा जो इंटरचेंज है जिसमें ओवरहेड बनना है और बाकी जो चीज़ें हैं अगले 6 से 8 माह के अंदर ये सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसके अंदर सारा जो चीज़ें हैं जो हमारे पार्ट पे हैं तो आपको देख ली होगी कि सब के सब कम्प्लीट है, अब सिर्फ ऊपर जो ब्रिज है वो बनना है और ऑफकोर्स वो FW ने उसको एग्जीक्यूट करना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्योंकि मोटर वे है, यहाँ से सैकड़ों गाड़ियाँ गुजरती हैं, सेफ्टीज़ के इश्यूज़ हैं, तो इसके अंदर उस तरह से खुल के काम नहीं हो सकता जिस तरह के आप साइड के ऊपर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी 6 से 8 माह के अंदर अंदर ये ऑपरेशनल हो जाएगा इंशाल्लाह सारा का सारा। इस चीज़ से रिलेटेड दूसरा सवाल है कि मोटरवे के ऑपोजिट साइड पे ओवरसीज प्राइम 2 है जी। अब एक एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हार्मी पार्क ओवरसीज सेंट्रल बनता है उसके ऑपोजिट साइड पे अराउंड 20 से 25,000 कनाल एरिया जो है ब्राउन हुआ है, ये सवाल मैंने मलिक साहब से किया था कि वहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, अगर लॉन्च होगा तो कब लॉन्च होगा, ओवरसीज प्राइम 2 का मैप मेंबर्स पूछते हैं वो कब लॉन्च होगा और बाकी डिटेल्स इस हवाले से। देखिए उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं कि हमने उसकी कब लॉन्चिंग पे लेके जाना है और कब उसके ऊपर प्रॉपर जो है डिटेल प्लानिंग जो है वो इशू कर देनी है, लेकिन इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट इवेंट है उसके अंदर हम ये सारी आपको डिटेल्स वगैरह आपको सारी की सारी प्रोवाइड कर देंगे और कुछ सरप्राइजेज हैं वो फ्यूचर के लिए रहने देने चाहिए, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो भी अच्छी नहीं होती है, तो कुछ चीज़ें सरप्राइजेस के लिए। साइट के वाले से मेरा लास्ट सवाल है कि लेट से आपको कोई डीलर, कोई सेल्स पार्टनर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का प्लॉट पिच करे लेने के लिए, तो आप वो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का प्लॉट क्यों खरीदेंगे? मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि जब एग्जीक्यूटिव ब्लॉक नहीं भी था तो मेरी पूरी फैमिली के प्लॉट एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर है, बिकॉज इसकी जो ट्रेन है मुझे सबसे अच्छी लगती है और इसमें अगर आप एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर देखें तो फ्रंट पे आपको गोल्फ कोर्स नज़र आता है, इस तरफ ओवरसीज प्राइम आपका बना हुआ है, दरिया बना हुआ है, इस तरफ बहुत बड़ी लेक है जो स्मार्ट सिटी की सबसे बड़ी लेक है वो बनी हुई है, वो यहाँ पे मौजूद है और प्लस ये कि इंटरचेंज से ये करीब 3 ब्लॉक्स के अंदर से है, तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा है। और फिर अगर आप ये देखें कि यही लूप आपने आगे कनेक्ट भी होना है, जो हमारा ओवरसीज सेंटर में जाना है ये लूप यहाँ से भी कनेक्ट होने हैं, फिर आगे अगर हम ओवरसीज प्राइम 2 में और मोटरवे के ऑपोजिट वाली साइड पे जो दूसरे ब्लॉक आने हैं
उसके साथ भी इसकी कनेक्टिविटी है, तो इस हिसाब से एक बड़ी प्राइम लोकेशन है, सेंट्रली लोकेटेड कह लें। आपका और मलिक असलम का जवाब तो बड़ा मिलता जुलता है, स्क्रिप्टेड लगता ही है, लेकिन उन्होंने सेम इसी तरह का जवाब दिया था कि हमारे पास सामने गोल्फ कोर्स है, इस साइड में हमारे पास सिल रिवर है, इस साइड में हमारे पास लेक है, साथ फाइनेंशियल स्क्वायर है, और सबसे बड़ी बात जो एक एग्जिस्टिंग रोड है जो चक्री रोड को मोटरवे से कनेक्ट करती है वो एग्जेक्टिव ब्लॉक के सामने है। मैं आपको रिजवानी बताऊं कि आपने हमारी किसी चीज़ को स्क्रिप्टेड नहीं बोला, उसकी रीज़न ये है कि हमारी जितनी भी प्लानिंग है ये ऐसा नहीं है कि हम शाम को सोते हैं सुबह उठते हैं और प्लानिंग कर देते हैं, इसके ऊपर दिमाग लगते हैं, इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स बैठे हुए हैं, वो बताते हैं कि आपने इसको अगर उन्होंने किसी चीज़ को कहीं प्लेस किया तो उसकी लॉजिक्स क्या है और क्यों प्लेस किया गया है, और हर ब्लॉक को ऐसे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जी ओवर से ईस्ट है ये गंदा है, एग्जेक्टिव अच्छा है, या एग्जेक्टिव गंदा है, सेंट्रल अच्छा है, तो हर एक की इंपॉर्टेंस बनानी ज़रूरी होती है, तो उसकी इंपॉर्टेंस के लिए उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स रखे जाते हैं कि ईस्ट की अपनी इंपॉर्टेंस रहे, एग्जेक्टिव की अपनी इंपॉर्टेंस रहे, और कोई अंडर वैल्यूड ना हो जो प्रोजेक्ट है। इनफैक्ट एग्जेक्टिव ब्लॉक सबसे ज़्यादा मेंबर्स के लिए देखा जाए इन जनरल सबसे बेनिफिशियल ब्लॉक है, यानी कि आपको रेट मिलता है 3,40,000 पर मरला का, 17 लाख के हिसाब से अगर 5 मरला देख लें, और आपको अम्यूनिटीज़ जो मिल रही हैं, गोल्फ कोर्स मिल रही है, ग्रैंड जामिया मॉस, 400 फुट रोड, लेक, दरिया, और सबसे बड़ी बात है कि इंटरचेंज से करंट जो रूट है, अगर आप M2 से उतर के आए तो हमारे लिए हार्डली कोई ज़्यादा से ज़्यादा आप सुबह ड्राइव पे खुद आते हैं, तकरीबन 3 से 4 मिनट की ड्राइव होगी फॉर द टाइमिंग एग्जेक्टिव ब्लॉक। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो ये एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेंबर्स के लिए एक अच्छी खबर है जिन लोगों ने ऑलरेडी एग्जेक्टिव ब्लॉक में प्लॉट खरीद रखे हैं। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको कैपिटल स्मार्ट या लाहौर स्मार्ट में बुकिंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए तो देखे नंबर प्राप्त करें, इसके हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान जी, मैं को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज़।